भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा छत्तीसगढ़ भिलाई के युवा नेता मोहम्मद इरफान खान को अरुणाचल प्रदेश में संपन्न होने वाले संगठनात्मक चुनाव के लिए अरुणाचल के ईस्ट सियांग जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले का निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होने पर इरफान खान ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी, कांग्रेस के लोकप्रिय वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री दामदास साहू, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित समस्त शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है। इरफान खान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि वे अपने कर्म पथ पर चलते हुए पार्टी में मिले दायित्वों का निर्वहन यथासंभव बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे भारत में जो है संगठन चुनाव हो रहे हैं और इसमें माननीय हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी द्वारा पूरे भारत में अलग अलग राज्यों के लिए जो है PRO और DRO की जो है नियुक्तियाँ की जा रही हैं उनके निर्देशानुसार, और इसी हेतु मुझे अरुणाचल प्रदेश का DRO जो है अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट सियांग करके एक जगह है, एक ज़िला है, उसका मुझे जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मेरा नाम आगे बढ़ाया। साथ ही इस राजनीतिक यात्रा में जो मैंने शुरू से राजनीति करी है, भूपेश बघेल जी के संगठन में मैं प्रदेश सचिव पहली बार बना, माननीय गृह मंत्री श्री दामदास साहू जी द्वारा मुझे अलग अलग जगहों पर राजनीति की बारीकियों को समझने का मौका मिला, और अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए आज मैं जहां तक पहुंचा हूं, मैं सभी का बहुत आभार करता हूं और आश्वासन देता हूं, मैं आश्वस्त करता हूं सबको कि जो जो मुझे जिम्मेदारियाँ मिलेंगी मैं उन्हें यथासंभव पूर्ण करूँगा और उनको अपने ऊपर गौरवान्वित होने का मौका जरूर दूंगा। रणनीति कैसी रहेगी आपकी संगठन चुनाव के लिए? जो लोकल वहाँ पे लीडर्स हैं, जो जिस तरीके का वहाँ पे वातावरण है उसको समझने के बाद जो वहाँ के PCC और जो वहाँ के PRO हैं उनके एडिशन अनुसार हम लोग वहाँ पे कार्य करेंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि हर एक व्यक्ति से, जिस जिले का मुझे प्रभार दिया गया है, हर व्यक्ति से मैं मिलूँ, उनकी राय लूँ और उस राय के अनुसार मैं जो है अपना कार्य करूँ, और जो भी न्यूट्रल होके मैं काम कर सकता हूँ मैं करूँगा, विदाउट फियर एंड फेवर मैं एक अच्छी कमेटी बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ब्रांड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।